Everyone and welcome to our channel Desi Couple on the Go. और आप देख रहे हैं हमारी South Africa की travel series, जिसमें हम कर रहे हैं road trip और देख रहे हैं बहुत सारे places और animal. और मैं हूँ अभी एक lodge में जो कि है Addo National Park के अंदर और देख रहे हैं जैसे मैं walk कर रही हूँ. It looks so green. इस रिजॉर्ट के बारे में पता करना है तो उसका एक अलग वीडियो है. आप उस वीडियो पर जाएंगे तो आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. बट आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं Addo नेशनल पार्क को एक्सप्लोर. और वो किस लिए फेमस है वो ये वीडियो आप देखते रहिए और देखते हैं हमें क्या क्या एनिमल स्पॉट होते हैं और हम जो यहाँ का फेमस एनिमल है वो देख पाते हैं कि नहीं. तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं और आई एम सो मच एक्साइटेड. और सौरभ, आर यू एक्साइटेड एज वेल बिहाइंड द कैमरा गाय? यस, रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे. सो एग्जैक्टली, हम लोगों ने एक और कान्हा नेशनल पार्क किया था, तब भी एनिमल स्पॉट में हम लोग लकी रहे थे. बट आज क्या हम लकी होने वाले हैं? फिंगर्स क्रॉस्ड, बस दिख जाए जो हम देखने आए हैं. सो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. सुपर एक्साइटेड मेघा हो गई ना, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है और इतनी ब्यूटीफुल जगह में हम रुके हुए हैं. लेट्स गो. दे क्लीन द कार एज वेल, सच अ नाइस पीपल. एंड आई वाज टेलिंग सॉरी, अपना कार इतना गंदा हो गया है ना, इतना गंदा हो गया है. मैंने ऑलरेडी टिश्यू पेपर से अपना हैंडल साफ किया था क्योंकि इतनी धूल. और आपको पता ही था कल हम कैसी सड़क से आए हैं. सच अ लवली पीपल. या बिल्कुल, हॉस्पिटैलिटी क्लीन कर दे तो अच्छा है. हॉस्पिटैलिटी इज जस्ट like India, like next level, next level. जैसे इंडिया में भी होती है ना next level, यूरोप में ऐसे next level नहीं होती है. This is what you miss in Europe. Yes. They really don't care too much about hospitality. Hospitality. चाहे आप five star में रुको, चाहे आप कहीं भी रुको, basic. हाँ. B&B में रुको. हमें आदत हो गया है वैसे तो ये सब चीजें देख के ना हमें ऐसा लगने लग जाता है. We get bit too overwhelmed. True. और आज विंड देख रहे हैं कितना विंडी है. Less. तो ज़्यादा विंडी होता है तो शायद एनिमल्स कम स्पॉट होते हैं ऐसा पता चला है. बट नेवरदलेस हमको तो आज ही जाना है. हम ट्राई करेंगे, हम दो बार अगर हो पाए, अगर आज नहीं मिल पाया ना तो हम फिर से चलेंगे शाम को, और शाम को नहीं तो हम कल जाएंगे. तो एनिमल्स तो हम देख के रहेंगे. लेट्स गो, लेट्स गो. पहुंच गए हैं Addo नेशनल पार्क और रिसेप्शन एरिया में. एक चीज फनी है, समर 7 AM to 6 PM, winter 7 AM to 6 PM. तो यही लिख देते ना कि it's open from 7 AM to 6 PM. तो चलो, और कोई अपना है ना कैमरा घुमा दिया किसी ने. Oh no, about 5,000 rands. ले ली है टिकट और दो लोगों की टिकट आई है 750 रैंड्स की. अभी उधर जाके एक टीवी पे वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे आज एनिमल स्पॉट हुए, तो पहले वो देख लेते ताकि हम डायरेक्टली वहीं चलेंगे जहाँ जहाँ एनिमल स्पॉट हुए. वैसे एनिमल स्पॉटिंग करना ना फुल लक का गेम है और उनकी मर्जी का गेम है कि उनको जहाँ देखना है और हमको वहाँ होना चाहिए. तो इट हैज़ टू बी लाइक एट द राइट मोमेंट, एट द राइट टाइम, यू हैव टू बी देयर. बट लेट्स सी. तो ये है टुडे साइटिंग. तो बहुत सारे लोगों को लायन दिखा, भी एक कपल आके बताया भी कि उन्हें लायन कल दिखा था, उन्होंने एक हंट किया हुआ है और वो इधर है यहाँ पे. तो अगर हम जाएंगे, वैसे हम अभी यहाँ हैं मेन, तो हम सोच रहे हैं कि देख लेते हैं जाकर. यस, पहले भी चलते हैं, यही तो फन है सेल्फ ड्राइव का. और फिर लायन स्पॉट कर लेते हैं और फिर उसके बाद एलिफेंट्स देखेंगे. यहाँ पॉट होल है, यहाँ पे भी पॉट होल है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो देखेंगे. और इनफैक्ट लेपर्ड भी दिखाई किसी को तो. रेड, रेड, वेयर इज द रेड? नहीं दिख रहा यार रेड. बट लेट्स सी, लेपर्ड तो मुश्किल है बट लायन ही दिख जाता है, इट्स फन. और एलिफेंट तो दिखना चाहिए. एलिफेंट इस तरफ बहुत है, दिस साइड. लेट्स गो. सुपर एक्साइटेड. यस, ऐसी जैसे कान्हा में फीलिंग थी ना. हाँ, वैसी फीलिंग. और इस बार तो और ज़्यादा है क्योंकि खुद ही एक्सप्लोर करना है. खुद एक्सप्लोर करना है और सेल्फ ड्राइव और लायन दिख जाएगा. सौरभ को तो कब से लायन दिख रहा है, हर जगह. हाँ, हर जगह से. अफ्रीका लैंड होते ही
रेंटल कार के बगल में ही मुझे लाइन दिख रहा था. जस्ट किडिंग. फनी. एडो नेशनल पार्क जो है वो फेमस है एलिफेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 600 से ज़्यादा एलिफेंट्स हैं. तो और एलिफेंट्स तो दिखेंगे ही, तो एलिफेंट्स दिखना तो पक्का है. बस ये हो कि बहुत सारे दिख जाए एक साथ झुंड में, बेबी एलिफेंट दिख जाए, दैट्स व्हाट इज द उम्मीद. एंड देयर इज वन मोर ज़ेब्रा. आया, लेट्स सी ज़ेब्रास. Have to see what we are seeing now. Not this car, but there is an elephant walking on the road in front of that vehicle. You see it? Ooh, we have seen it. और इसके बाद जो दिखने वाला है ना, that is going to be true. क्या royal walk लग रही है ना? True. Looking at me and I am looking at that elephant. और वॉट रॉक फिर आ गए हैं. और ये फिर से आने की कोशिश की है इन लोगों ने. वॉट हॉक जो बेसिकली हकुना मटाटा सिम्बा देखी होगी तो डेफिनेटली इनको पहचानते होंगे. हैप्पी गो लकी. और हाथी इनको भगा रहे हैं. हाँ बेचारे बार बार आते हैं, हमें भी दे तो थोड़ा सा. और हाथी थोड़ी सी आवाज निकालते हैं, थोड़ा डर पे ये डर के मारे भाग जाते हैं. अभी भी डर के खड़े हुए बेचारे. तो इतनी देर से ऑब्जर्व कर रहे एलिफेंट को, तो ये जो मड पुल है उसमें टर्न बाय टर्न जा रहे हैं. तो पहले कुछ लोग एलिफेंट जाते, फिर वो पूरा अपना मड पुल में कर लेते, फिर ऐसे पेशेंटली बाकी जो देखो बाहर वाले खड़े, और फिर वो जा रहे बीच बीच में. हाँ ज़रूर आवाज़ निकाल रहे हैं जो थोड़े स्ट्रॉन्ग वाले एलिफेंट्स होंगे. और इतने सारे बेबीज भी दिख रहे हैं ना बीच में घुसे हुए, वो अपने बड़े-बड़े एलिफेंट्स के अंदर. व्हाट एन अमेजिंग साइट, व्हाट एन अमेजिंग साइट गाइस.
herd of elephant above is jungle ki taraf ja raha hai. Mast mud pool mein sab log nahal liye. Pool se pani dal dal ke. Itna close encounter with elephant. Kabhi nahi dekha. Kabhi nahi dekha. कई बार तो वो गाड़ी के बिल्कुल पास आ गया था, बहुत डर लगा। बट जैसे जुरासिक पार्क में डायनासोर्स का दिखाते हैं। बट रूल यही है कि आप बस खड़े रहो गाड़ी में, दे विल नॉट डू एनीथिंग। डोंट ट्राई टू मूव योर व्हीकल। व्हीकल मूव नहीं करना है आपने, चुपचाप खड़े रहो। Shall we move from this place and try to look for another big fire? एक और आ रहा है हाथी। इतने जब भी मैं सोचता हूँ कि चलें तो कोई ना कोई elephant आगे show देने लगता है। Yeah. But and I'm not getting over it sort of. और हम एक पूरा पूरा group जो है, दो तीन group जा चुके हैं, बहुत दूर। They are going into the forest. काफी लोग वापस आ रहे हैं। दो नए group आ भी चुके हैं वैसे। Do you hear the बच्चे, sound? बच्चे खेल रहे हैं, बड़े साउंड कर रहे हैं। आगे जेब्रा का भी हर्ड है छोटा सा। अभी जेब्रा को देखेंगे। Amazing feeling, amazing. Amazing, literally. Wow. How was the experience, Pega? Literally, like I'm super happy and feel blessed and thanks God and thank everyone in my life who made this to happen. एलिफेंट से इतना क्लोज एनकाउंटर, इतना क्लोज एनकाउंटर, कई बार तो इतने पास आ गए थे। हाँ, बहुत सारे हंड्रेड तो आराम से देख लिए। हंड्रेड एलिफेंट्स कई बार इतने पास आ गए थे गाड़ी के। नेशनल पार्क में, लाइक इट्स नॉट लाइक अ गेम ड्राइव और इट्स एडो नेशनल पार्क फेमस फॉर एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अच्छा, ऑफ कोर्स ये पॉन्ड्स बनाए हैं जिस पर वो आके पानी पिए और वो हो भी रहा है। अलग अलग हर्ड एलिफेंट्स का आवाज आता है ना, ये डरावना लगता है। जैसे जुरासिक पार्क में कैसे डायनासोर को दिखाते हैं तो फिर जैसे उसका आवाज आता है तो कैसे डर लगता है। सिमिलरली जैसे एलिफेंट का आता है ना, यू फुल डर लगता है। इट्स टाइम टू कंटिन्यू आवर ड्राइव इन दिस फॉरेस्ट। एलिफेंट देख लिया और भी कई सारे जेब्रास देख लिए, बहुत सारे और जेब्रास यहां के। नाउ वी आर ट्राइंग फॉर लायन। सौरभ को लायन देखना, और एक जगह है जहां लायन ने ना अभी शिकार किया। They have hunted an animal, तो वो अभी अपने hunted animal को protect कर रहे होंगे। अगर खा चुके होंगे तो चले जाएंगे, but hopefully उन्होंने hunt किया तो शायद दिख जाए, क्योंकि कल hunt किया था तो अब तक तो शायद खा भी लिया। But चलो पहले zebra का herd देखते हैं, क्योंकि अभी तक zebras ना एक एक करके दिखा है। अचानक से आखिर हम ब्रेक कैसे ले लिए? तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो एलिफेंट्स का पूरा हर्ड देखा, फिर जाना था आगे, पर समहाउ लूप हो गया हम लोगों का, तो हम लोग वापस लूप में वापस मेन उस पर ही आ गए। तो अब आ गए तो सोचा, इतनी गर्मी लग रही थी और सौरभ का जो गाड़ी था वो बोल रहा था कि क्या बोल रहा था सौरभ, फ्यूल थोड़ा कम लग रहा था मेरे को। तो गाड़ी में फ्यूल हाफ था और क्योंकि एसी भी चल रहा था बहुत तेज, मैंने एसी पहले बहुत बंद एसी बंद करके गाड़ी चला रहे थे क्योंकि बिल्कुल एसी नहीं चलाना चाहिए था। तो पहले मैंने एसी बंद रखा फिर चालू किया, फिर जब घूम के 2 किलोमीटर का पास में था मेन गेट तो मैंने बोला कि चलो चलते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कोक और आइस टी पी रहे हैं और गाड़ी भी फुल हो गई है।
तो अभी हमारा सेकंड राउंड चालू होगा और 6 बजे तक हम कितनी बार भी एंटर कर सकते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी एलिफेंट्स तो बहुत सारे देख लिए और जी भर के देख लिए, मतलब जी भर के देख लिए और पूरे 1.5-2 घंटे बैठ के उन्हीं को देख लिए, पूरा ऑब्जर्व कर लिया कि कैसे, जैसे नेशनल ज्योग्राफी में कैसे बताते हैं ना चैनल पे, बिल्कुल वैसे ऑब्जर्व कर लिए कि वो एलिफेंट क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपने बच्चे को बिल्कुल अपने अंदर ऐसे छुपा के चल रहे हैं, कैसे अलग अलग हर्ड्स हैं, वो सब देख लिया। बट अब देखना है, अब हमारा सर्च चालू होगा फॉर द लायन। क्या हम लायन देख पाएंगे? यू गाइस विल फाइंड आउट, सी यू गाइस इन द पार्क अगेन। हम लोगों को दिखी कुडू, विच इज अ टाइप ऑफ एन एंटीलोप, और तीन थे और खा रहे थे, और उनके पीछे ना ज़ेब्रास भी थे, बट लायन तो अभी भी नहीं दिखा। क्या हमें लायन दिखेगा? और टेम्परेचर अभी हो गया 31 डिग्री, तो गर्मी भी काफी हो गई है, तो अगर एनिमल्स ना अंदर अंदर जाएंगे, बहुत शेड में छुपे हैं अंदर, एंड द साउथ अफ्रीका टेरेन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज अमेजिंग, बट हमारी नजर है बिल्कुल उन पे की जैसी कुछ दिख जाए। और बफेलो भी दिख गई, बफेलो भी दिख चुकी, वो टॉप 5 में आती है, तो 5, बट लायन दिख जाए तो मजा आ जाए, ट्रिप कंप्लीट हो जाए। ज़ेब्रा इज क्रॉसिंग यू मेगा, डबल क्रॉस कर दिया ज़ेब्रा ने मुझे, पहले आगे से क्रॉस कर लिया, पीछे से क्रॉस कर रहा है, डबल क्रॉस। और वो कौन सा एनिमल है पीछे उस तरफ? वो है ना कुडू है, इधर 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 और उधर भी बैठे हैं तेरे उस तरफ। ओह या, इट्स वेरी क्लोज हियर, लेट्स गो। तो ये जो एनिमल आप देख रहे हैं जिसके दो सिंग ऐसे ट्विस्टेड दिख रहे हैं, ये कुडू है, इसका नाम है कुडू। और इतने सारे हैं, मेरी तरफ भी हैं, और सबने क्या क्या किया, एक एक झाड़ी पकड़ी हुई है और वहाँ वहाँ बैठ गए छाँव में। दीज आर कुडू एंड देयर आर सो मेनी ऑफ देम। इतनी बार ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो चुकी है, लाइक लिटरली ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अभी भी रोड पे है वो लोग और हम वो धीरे धीरे भागे, हम वेट करते हैं। अचानक ही ना कुछ तो एक आवाज़ आई किसी एनिमल की, आई थिंक ज़ेब्रा की आवाज़ थी, और फिर अचानक सारे ज़ेब्रास दौड़ने लगे। और जो हमने कान्हा नेशनल पार्क में सीखा है कि ये इट कैन बी कॉलिंग, और ये एक टाइप का लायन है, मतलब लायन होगा इसलिए वो भाग रहे, और सही में सारे ज़ेब्रास ना भाग गए, चले गए यहाँ से, अभी हमारे कार के पास ही थे, यहाँ कहीं है मतलब लायन कुछ तो है। Let's wait for some time. और भागे और आते जा रहे हैं, बहुत सारे ज़ेब्रास आ गए हैं सामने, काफी दूर चले गए वो, और उधर सब तरफ से आ रहे हैं। थोड़ा चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हो रहा है। Something is happening. Let's go. सारे ज़ेब्रास भाग गए राइट पे ऊपर हिल की तरफ, और अब बिल्कुल शांति हो गई।
वो देखो सब ऊपर चले गए तो सारे ज़ेब्रास तो उधर चले गए देयर इफ यू कैन सी तो मतलब लायन के इस तरफ था लेट्स वेट वेट हियर सारे ज़ेब्रास तो चले गए मेघा ऊपर पहाड़ी पर But there was a calling because सारे zebra अलग अलग जगह थे सब इकट्ठे हो गए एक साथ और फिर run करने लगे So there was something I don't know but what it was इतना दूर हो गए वो तो चलो फिर चलते हैं आगे कुछ नहीं है No action It seems नीलकंठ जरूर दिख गया हाँ And Saurabh का family वहीं वहाँ बोलते हैं ना नीलकंठ नीलकंठ देखना लकी होता है। लकी होता है। ओके, लेट्स गो। हम घूमते हुए आ गए वापस। 5 o'clock हो गया शाम का। हाँ, तो सुबह से निकले 10 o'clock से। अब सोचा हमने कि लाइन तो दिखा नहीं हमें। हाँ। तो एक बार वापस आते हैं ऐसी हापुर। एक बार और एलिफेंट ही देख लेते हैं क्योंकि एलिफेंट तो देखना ही है। तो फिर से इनको एंजॉय कर लेते हैं और एलिफेंट में अब यहाँ से इतने से बचे हैं सब जा चुके हैं आपने हमारा वीडियो देख ही रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब सुबह आए थे तो कितने सारे एलिफेंट के हर्ड्स थे हर्ड आ रहे थे जा रहे थे लड़ रहे थे अभी सिर्फ एक ही ग्रुप खड़ा हुआ है क्योंकि अभी बहुत विंड भी चल रहा है ओह वाज दैट अ किस इट लुक्स लाइक एन एलिफेंट किस Let me zoom in. And now the elephant is going to shitty shitty. And now after elephant kiss, now they are fighting. Dik 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 kaise aa rahe hain dik. Just see the formation. So ek hi elephant is group mein judne ki koshish kar raha hai magar ye log usko aane nahi de rahe hain. Wapas aa raha hai wo. Jaise wo pass mein aata hai ye log jhund bana ke बेबी को अंदर कर देते हैं और झुंड बना के खड़े रहते हैं चला गया वो खड़ा है आएगा वो द साइट ऑफ एलिफेंट इज आउटस्टैंडिंग हमारा प्लान था कि हम 2 मिनट खड़े को देखेंगे 10 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके 15 मिनट हो चुके चले मैं क्या अभी इट्स लाइक मैं आंखों से नेशनल ज्योग्राफी देख रही थी बता चुकी हूँ ना मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो भी था वो बचपन में एनिमल प्लैनेट टाइम टू हेड बैक 5:30 पर एंट्री मंथ हो जाती है अभी हुए 5:15 6:30 पर ये गेट क्लोज हुआ था सो यू हैव टू लीव दिस पार्क बिफोर 6:30 और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको वहाँ पहुँच के चलो फिर एंड सुवेनियर डन यही साइड देखी थी और यही सुविधा ले लिया सो इट विल रिमाइंड अस ऑलवेज और हमारा अगर आपने देखा होगा किचन में हम लोगों ने लगा रखा है सो या एवरी नाउ एंड देन आई विल सी दिस एंड आई विल रिमेंबर द डे दैट आई सॉ सो हर्ड्स ऑफ एलिफेंट जब हम लोग शाम को गए तो कम एलिफेंट थे तो लगा कि हम लोग लकी थे जो दिन में सुपर लकी इतने सारे एलिफेंट देखने को मिले हम लोग सोच रहे थे ना कि दोपहर में चलते तो मतलब अराउंड 3 o'clock चलते बट आई थिंक दैट वाज वुड हैव बीन अ बैड डिसीजन अच्छा हुआ हम लोग मॉर्निंग में ही निकल गए 10:30 अराउंड और हम लोगों ने गाइडेड टूर नहीं किया प्लान हमारा ये था कि हम हॉप ऑन गाइड ले लेंगे मगर फिर उसने बोला कि वो सिर्फ 2 घंटे का होगा इन 2 hours यू हैव टू कम बैक पर फायदा क्या है फिर डे ट्रिप करने का स्पार्क में जगह हम 2 घंटे हम जितने देर वहां रुकेंगे वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना 2 घंटे में क्यों आएंगे अगर मुझे एलिफेंट के ऐसा साइट दिख गया तो मैं आराम से अपने 1 घंटा देखा हां वहीं रुकूंगी वी स्पेंट एटलीस्ट 1 आवर इन द फर्स्ट जो था हमारा एलिफेंट का मोर देन 1 आवर एक्चुअली मोर देन 1 आई थिंक 1 आवर 30 मिनट्स किया होगा और फिर शाम को फिर 15-20 मिनट 30 मिनट तक बैठे रहे देख एंजॉय अगर आप कंफर्टेबल हैं ड्राइव करने में तो रोड थोड़ी बहुत तो खराब थी ऑफ कोर्स हर जगह रोड नहीं थी अच्छी तो आप आराम से ड्राइव कर सकते मेरा तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप खुद ही ड्राइव कर लीजिए इट्स नॉट नीडेड बट हाँ अगर आपके पास किड्स हैं और आप टाइम कम है आपके पास टाइम कम है आपके पास और आप चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन जो गाइडेड बंदे को बिठा लीजिए क्योंकि वो सिर्फ 290 रैंड और ज्यादा होंगे मुझे नहीं लगता है कि हमें सफारी करने की अलग से जरूरत है लाइक बाकी हां अगर आपको सफारी करनी है हां फुल फिलिंग लेनी है जिसमें बड़े-बड़े कैमरा से आपके पास और ये सब करना है ऐसा वाला शूटिंग करना है ताकि दोनों हैंड्स फ्री रहें तो वो भी होता है या तो आप यहाँ पर ले रहे हैं वो टिकट नहीं तो जो आप रुके हैं अगर आप आस पास के रुके हैं तो मोस्ट ऑफ जो
जो मीडियम और जो लग्जरी रिसोर्ट है हमारे यहाँ भी होता है सफारी 1700 रेंट वो उसका बोल रहा था सो वो भी कर सकते हैं बट ऑफकोर्स आई थिंक हम लोगों को तो क्योंकि हम लोग कपल थे और ड्राइव करने में कोई इश्यू था नहीं वी एंजॉयड ड्राइविंग एंड ये हमारा फर्स्ट टाइम था किसी सफारी को सेल्फ ड्राइव करके एक्सपीरियंस करने का एंड इट वॉज रियली अमेजिंग तो जरूर जाइएगा आप ये एडो पार्क अगर एलिफेंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली एलिफेंट्स देखने जाइएगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और ये हमने ट्राई किया है कि अच्छे से शूट भी करें अच्छे से देखें भी और अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा किड्स विल लव इट लव दिस अगर वो यहां पर नहीं आ पा रहे हैं दे विल लव टू सी ऑन द वीडियो या क्योंकि मैं अपने सारे फ्रेंड्स के किड्स के साथ सबके साथ ये ऑलरेडी शेयर करने वाली जो मेरे पास फुटेजेस है और पिक्चर्स है मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगी और इंस्टाग्राम का हैंडल है देसी कपल ऑन द गो और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मैक्स और अगर आप हमारे ये साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू से देख रहे हैं एपिसोड वन से देख रहे हैं सो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी देख लिए होंगे थैंक्स फॉर दैट अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए एपिसोड वन से हमने टैग डाला हुआ है और विद दिस वीडियो हमारी ट्रैवल साउथ अफ्रीका की ट्रैवल सीरीज जा रही है अपने लास्ट लेग में अभी भी खत्म नहीं हुई है लास्ट लेग है 3-4 दिन अभी और है सो ऑल अमेजिंग प्लेसेस देखने वाले हैं और अभी एक और एनिमल बच गया है व्हिच इज एक्चुअली अ बर्ड व्हिच कैन नॉट वी विल नॉट टेल यू व्हिच इज अ बर्ड कीप वाचिंग अवर साउथ अफ्रीका ट्रैवल सीरीज बाय पक्का अगला वीडियो देखिएगा पक्का और लाइक करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट करिएगा जरूरी है YouTube के एल्गोरिथम के लिए ताकि हमारा वीडियो और रिकमेंड हो वेरी इंपॉर्टेंट बाय Bye. Super happy. Bye.